सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बताया है, फाइंड द रेडियस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी. क्या बताया, फाइंड द रेडियस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी. फर्स्ट क्या देखो, 700 रुपीस एंड 308 रुपीस. सो रेशियो ऑफ 700 टू 308 इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 308. अब देखिए क्या है, यहां पे 700 है तो यहां पर भी 700 ट्राई कर रहा हूं मैं, तो मुझे आंसर मिला 7 × 100 डिवाइड बाय 7 × 44. 7 कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या यहाँ पे, 7 कैंसिल हुआ तो बचा 100 डिवाइड बाय 44. 100 डिवाइड 44 वापस इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. ओके, सो 24 × 4 11 × 4. 25 × 4 = 100, 11 × 4 = 44. 4 कैंसिल एंड आंसर इज 25 डिवाइड बाय 100 एंड रेशियो इज 25:11. क्या आंसर है, 25:11. सेकंड में देखो, 14 रुपीस एंड 12 रुपीस 40 पैसे. क्या दिया देखो, 14 रुपीस एंड 12 रुपीस 40 पैसे. अब इसमें जो है क्वांटिटी, पैसे ये क्वांटिटी मोटी बड़ी होती है या फिर रुपी बड़े होते, पैसे ज्यादा बड़े होते या रुपी, रुपी समझ में. तो हम लोगों को क्या करना है कि पैसे जो पैसे में कन्वर्ट कर, देखो रुपी को तुम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना थोड़ा टफ होता है, समझ में है ना. सो क्या करेंगे, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे. सो 14 रुपीज इक्वल टू 14 × 100 बाय, बिकॉज 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी. 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी. सो 14 रुपीज से कितने हो गए, 1400 पैसे. कितने हो गए, 1400 पैसे. 12 रुपीज 40 पैसे इज इक्वल टू 12 × 100 + 40. कितने हो जाएंगे, 1240. कैसे, 12 × 100 = 1240 पैसे. गॉट इट एवरीवन. अब रेशो निकालना है, रेशो ऑफ 1400 पैसे टू 1240 पैसे. 14 / 1240, 0 यहाँ पे कैंसिल किया तो क्या बचा, 140 / 124. यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 35 = 4 × 31. 4 कैंसिल, आंसर इज 35 / 31. समझ में आया. ओके, सो रेशियो इज 35:31. वी हैव 7 विल कैंसिल. अंडरस्टूड एवरीवन, राइट अप. थर्ड देखो गाइस, थर्ड क्वेश्चन इज 5 लीटर एंड 2500 ml मिलीलीटर. क्या है, लीटर है मिलीलीटर, इसमें लीटर बड़ा बड़ी क्वांटिटी है और ml क्या है, मिलीलीटर क्या है, छोटी क्वांटिटी है, इसलिए लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. सो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, यू नो, ये हम लोग ने सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में या फिर तुम्हारे बुक में लिखा हुआ रहता है, थर्ड स्टैंडर्ड में फोर्थ स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा होगा, राइट, ये जनरल नॉलेज है. सो 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, राइट. तो यहाँ पे 5 लीटर को कैसे कन्वर्ट करोगे, 5 × 1000 इज इक्वल टू 5000 ml, राइट. रेशो और ये तो ऑलरेडी ml में दिया है, मिलीलीटर में 2500. सो रेशो ऑफ 5000 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर इज इक्वल टू 5000 डिवाइड बाय 2500. ये जीरो कैंसिल, बचा क्या, 50 एंड 25. सो 25 × 2 = 25 × 1. 25 × 25 कैंसिल, आंसर इज 2/1, इट इज 2:1. 2:1 क्या रेशो आया, 2:1. समझ में, राइट ऑन.